रे ऑप्टिक्स। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से सुना ऑप्टिक्स के नाम से ना थोड़ा सा डर बना हुआ है, बट जहां तक मैंने क्वेश्चंस देखे हैं जेई मेंस के हों, चाहे वो क्लास 12th बोर्ड के हों, चाहे वो नीट के हों, अगर आपने 12th के रे ऑप्टिक्स के सारे फॉर्मुलेस अच्छे से थोड़ा स्टडी कर लिया और अगर आपको पता है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, आप बहुत आसानी से सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक फॉर्मूले जो कि हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़े। तो मतलब आप मान के चलेंगे सारे फॉर्मुलेस में से आधे फॉर्मूले तो आप वैसे ही क्लास 10th में पढ़ चुके हो, थोड़े से कुछ नए फॉर्मुलेस होंगे और बाकी फटाफट से एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला 1 / f = 1 / v + 1 / u, जहां पर u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इज इमेज डिस्टेंस एंड f इज फोकल लेंथ। तो मिरर फॉर्मूला कहता है 1 / f = 1 / v + 1 / u, देन मैग्नीफिकेशन की बात की जाए तो इट इज माइनस v / u, और इसको हम लोग हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो फोकल लेंथ होती है किसी भी मिरर की वो किसके बराबर होती है, उसके कर्वेचर के हाफ के बराबर, मतलब r / 2 के बराबर होती है। मैग्नीफिकेशन अगर नेगेटिव आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि रियल और इन्वर्टेड इमेज होगी, पॉजिटिव है तो वर्चुअल रिलेक्ट होगी। ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और इक्वल्स टू 1 पे एनलार्ज डिमिनिश और सेम साइज की इमेज बनेगी। ठीक है, बात करते हैं लेंस फॉर्मूले के बारे में। तो लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, 1 / f = 1 / v - 1 / u, मैग्नीफिकेशन में यहां पर प्लस आ जाता है जैसे मिरर में नेगेटिव होता था, यहां पर प्लस हो जाता है। मैग्नीफिकेशन के कुछ और फॉर्मूलेस भी आप लिख सकते हैं, f - v / f या f / f + u, जस्ट इस वाली इक्वेशन और इस इक्वेशन को यूज करके। अब ऐसा मिरर फॉर्मूले के अंदर भी अलग अलग फॉर्मूले लिख सकते थे आसानी से, उसमें कोई बहुत तकलीफ वाला काम नहीं है। म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, स्नेल्स लॉ, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 / वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, और हम अपेरेंट डेप्थ किसी की निकालना चाहते हैं, जैसे हम पानी के ऊपर से किसी चीज को देख रहे हैं और हम देखना चाह रहे हैं कि उसको जो पॉइंट है वो कितना ऊपर आपको दिखेगा, तो अगर आपको उसकी रियल डेप्थ पता है तो आप उसको उसके म्यू से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर डिवाइड करते हैं तो आपको उसकी अपेरेंट डेप्थ भी निकल के आ जाती है। ठीक है, तो ये तो जितने फॉर्मूले मैंने अभी तक बोले एक भी फॉर्मूला 12th का नहीं था ना, सारे फॉर्मूले आप लोग 10th के अंदर पहले ही पढ़ चुके हो, मतलब आप मैक्सिमम लोगों तो ये सारे फॉर्मूले अच्छे से याद होंगे। अब आते हैं थोड़ा सा कुछ एक नए फॉर्मूले पे, स्फेरिकल सरफेस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर निकालना हो या उसके लिए इक्वेशंस लिखना हो तो कैसे लिखी जाती है, तो म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर के बराबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, मान के चले दोस्तों 90% क्वेश्चंस अगर न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं आपके पास ऑप्टिक्स में लेंस से रिलेटेड या स्फेरिकल सरफेस से रिलेटेड, तो सारे क्वेश्चन इस इक्वेशन से सॉल्व हो जाते हैं, मतलब आपको बाकी के दूसरे केसेस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये इक्वेशन याद है आप सीधा लगाओ और आंसर निकालो। ठीक है, इसी के थ्रू हम लोगों ने लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव किया, वो हुआ 1 / f = म्यू - 1 * 1 / r1 - 1 / r2 के बराबर। पावर ऑफ लेंस निकालना है तो 1 / f, ये भी क्लास 10th का फॉर्मूला है, 100 / फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर, पावर की यूनिट क्या हो जाएगी डायरेक्टर। इफेक्टिव पावर, अगर बहुत सारे ऐसे थिन लेंस आप कांटेक्ट में रखते जाओ तो उन सबका पावर क्या हो जाएगा, सबका एडिशन, P1 + P2 + P3, मतलब एल्जेब्रिक सम कर दो। अगर कोई नेगेटिव है लाइक कॉनकेव लेंस है, नेगेटिव होगा कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव होगा, तो सिंपल उनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना होगा आपको। अगर हम इसी तरह से इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालें तो 1 / f equivalent = 1 / f1 + 1 / f2 इसी तरह से चलता जाएगा, क्योंकि पावर क्या है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ है। साथ ही साथ एक चीज और ध्यान रखना बेटा अपने को, दो लेंसेज अगर बिल्कुल पास पास में रखें तब तो ठीक है, लेकिन अगर लेंस दूर दूर रख दिए हो तो क्या करना है वो भी ध्यान रखना है अपने को, कि कुछ इस तरीके से लेंस रख दिए जाए जिनके बीच का डिस्टेंस दे दिया जाए d, तो भी आप इफेक्टिव फोकल लेंथ निकाल सकते हो। उसमें क्या होगी, 1 / f1 + 1 / f2 - d / f1 * f2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और बहुत कम लोगों को पता होता है, बहुत कम जगह पर आप लोगों ने इसको पढ़ा होता है, और अगर आप इस फॉर्मूले को देख लेते हो तो आप डायरेक्टली मतलब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में। फिर बात करते हैं प्रिज्म के बारे में, तो प्रिज्म का फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। ये डेल्टा एम मतलब मिनिमम डेविएशन की कंडीशन पे बात कर रहे हैं, और मिनिमम डेविएशन की कंडीशन मतलब अपने आप से हमें पता है कि आई इक्वल्स टू ई के बराबर, आर वन इक्वल्स टू आर टू के बराबर, ए इज इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू के बराबर। ये सारी बातें ध्यान रखना है इसका। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगर बहुत थिन प्रिज्म के बारे में बात की जाए, एंगल जब बहुत छोटे हो तो हम डेल्टा को a इंटू म्यू माइनस 1 भी लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले का यूज भी बहुत सारी जगह पर आपको देखने को मिलेगा। फिर बात करें कॉची फॉर्मूला क्या कहता है, कि वेवलेंथ के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे रेड कलर है तो रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, मतलब वहां से हम बहुत सारी चीजों को रिलेट कर पाएंगे बेटा। कैसे, देखो वेवलेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से फोकल लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब फोकल लेंथ और वेवलेंथ क्या हो गई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोकल लेंथ और वेवलेंथ क्या हो गई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली रिलेटेड है। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे फोकल लेंथ बढ़ेगी, मतलब जब लेंस से व्हाइट लाइट पास कराई जाएगी तो रेड कलर सबसे दूर जाके बेंड होगा,
सबसे पहले कौन हो जाएगा? सॉलिड। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ के अकॉर्डिंग फोकल लेंथ चेंज हो रही होगी वहां पर, ठीक है। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर बात आती है डिस्पर्सिव पावर की, तो डिस्पर्सिव पावर कैसे निकाला था? डेविएशन ऑफ वॉलिड माइनस डेविएशन ऑफ राइट डिवाइडेड बाय द मीन डेल्टा। मीन डेल्टा मतलब जो हमारा बीच वाला जो कलर रहेगा उसको जो हम देखेंगे, या फिर येलो कलर बोल सकते हैं इसको, डेल्टा वी माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई के बराबर, ठीक है। फिर बात करें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला दैट इज 1 प्लस डी बाय एफ ई, डी क्या है यहां पर? नियर पॉइंट ऑफ विजन, दैट इज 25 सेंटीमीटर के बराबर। फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की अगर बात की जाए तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला इज एल अपॉन एफ ओ इंटू 1 प्लस डी बाय एफ ई के बराबर, ठीक है। अगर ये चीज हम इन्फिनिटी की बात करें तो हमारा जो इमेज बन रही होगी फाइनल इमेज अगर वो इन्फिनिटी पे होती है तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, एल बाय एफ ओ इंटू डी बाय एफ ई के बराबर, ठीक है। टेलीस्कोप के बारे में बात की जाए तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला एफ ओ बाय एफ ई, अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब ध्यान रखिएगा दोस्तों जब हम इन्फिनिटी की बात कर रहे होते हैं तब के लिए, और बिल्कुल इसी तरह से अगर नियर पॉइंट पर हमारी इमेज बन रही होगी तो हमारा फॉर्मूला होगा एफ ओ बाय एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई बाय डी के बराबर, ठीक है। तो ये जो जितने भी फॉर्मुलेज हैं अगर आपने याद करके एक बार कमांड लिया है आप इसके ऊपर, फिर आप न्यूमेरिकल्स लगाओ, मतलब एक बार इसको अच्छे से याद कर लो, दो तीन बार लिख लो, फॉर्मुलेज देख लो अच्छे से, वीडियो प्रॉपर ध्यान से सुन लो, और उसके बाद अपने अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करो, डेफिनेटली आपसे क्वेश्चंस बनने लगेंगे ऑप्टिक्स के।